मेरा बेटा है, आवाज नहीं चिकनो। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी है, इसी अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सबको अकेला, जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मर्द हो गए, मेरा सांप पे सवार है। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है, आवाज नहीं चिकनो। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी है, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सबको अकेला, जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मर्द हो गए, मेरा सांप पे सवार है। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है, आवाज नहीं चिकनो। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी है, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सबको अकेला, जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मर्द हो गए, मेरा सांप पे सवार है। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप तो तेरे भी ड्रामे के फैंस के लिए है बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ झलकियाँ आपने अभी देखी हैं तेरे बिन ड्रामे सीज़न 2 की, और बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामा सीज़न 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे और आपको पता भी चले कि ये झलकियाँ जो अभी आपने देखी हैं तेरे बिन सीज़न 2 की, वो कहाँ नशर होंगी और कब नशर होंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताने लगा हूँ कि कब जो है वो होने लगी है एपिसोड लॉन्च। मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है, आवाज नहीं चिकनो। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी है, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सबको अकेला, जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मर्द हो गए, मेरा सांप पे सवार है। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है, आवाज नहीं चिकनो। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी है, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सबको अकेला, जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मर्द हो गए, मेरा सांप पे सवार है। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है, आवाज नहीं चिकनो।
वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरते। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिल जाए। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, किसी अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार रहे। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। तो तेरे भी ड्रामे के फैंस के लिए है बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ झलकियाँ आपने अभी देखी हैं तेरे बिन ड्रामे सीज़न 2 की, और बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामा सीज़न 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें और आपको पता भी चले कि ये झलकियाँ जो अभी आपने देखी हैं तेरे बिन सीज़न 2 की वो कहाँ नशर होंगी और कब नशर होंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताने लगा हूँ कि कब जो है वो होने लगी है एपिसोड लॉन्च। मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरते। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिल जाए। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, किस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार रहे। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरते। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिल जाए। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, किस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार रहे। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरते। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिल जाए। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, किस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार रहे। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। तो तेरे भी ड्रामे के फैंस के लिए है बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ झलकियाँ आपने अभी देखी हैं तेरे बिन ड्रामे सीज़न 2 की, और बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामा सीज़न 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें और आपको पता भी चले कि ये झलकियाँ जो अभी आपने देखी हैं तेरे बिन सीज़न 2 की वो कहाँ नशर होंगी और कब नशर होंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताने लगा हूँ कि कब जो है वो होने लगी है एपिसोड लॉन्च। मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरते। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिल जाए। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते।
होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोग जता रहे हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे, हम सबको अकेला जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आपको मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। आवाज नहीं चिकना। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी की हामी ना भूलती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाए, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पर मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोग जता रहे हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे, हम सबको अकेला जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आपको मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। आवाज नहीं चिकना। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी की हामी ना भूलती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पर मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोग जता रहे हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे, हम सबको अकेला जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। तो तेरे भी ड्रामे के फैंस के लिए है बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ झलकियाँ आपने अभी देखी हैं तेरे बिन ड्रामे सीज़न 2 की, और बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामा सीज़न 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें और आपको पता भी चले कि ये झलकियाँ जो अभी आपने देखी हैं तेरे बिन सीज़न 2 की, वो कहाँ नशर होंगी और कब नशर होंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताने लगा हूँ कि कब जो है वो होने लगी है एपिसोड लॉन्च। मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। आवाज नहीं चिकना। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी की हामी ना भूलती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पर मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोग जता रहे हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे, हम सबको अकेला जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। आवाज नहीं चिकना। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी की हामी ना भूलती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पर मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोग जता रहे हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे, हम सबको अकेला जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है। इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। आवाज नहीं चिकना। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी की हामी ना भूलती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाए, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पर मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत
मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सबको अकेला, जीने के जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं। तो तेरे बिन ड्रामे के फैंस के लिए है बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ झलकियाँ आपने अभी देखी हैं तेरे बिन ड्रामे सीज़न 2 की, और बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामा सीज़न 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें और आपको पता भी चले कि ये झलकियाँ जो अभी आपने देखी हैं तेरे बिन सीज़न 2 की वो कहाँ नशर होंगी और कब नशर होंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताने लगा हूँ कि कब जो है वो होने लगी है एपिसोड लॉन्च। मोहब्बत इत्तेफाक के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना होती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाए, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सबको अकेला, जीने के जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। मोहब्बत इत्तेफाक के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना होती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाए, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सबको अकेला, जीने के जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। मोहब्बत इत्तेफाक के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना होती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाए, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सबको अकेला, जीने के जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। तो तेरे बिन ड्रामे के फैंस के लिए है बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ झलकियाँ आपने अभी देखी हैं तेरे बिन ड्रामे सीज़न 2 की, और बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामा सीज़न 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें और आपको पता भी चले कि ये झलकियाँ जो अभी आपने देखी हैं तेरे बिन सीज़न 2 की वो कहाँ नशर होंगी और कब नशर होंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताने लगा हूँ कि कब जो है वो होने लगी है एपिसोड लॉन्च। मोहब्बत इत्तेफाक के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना होती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाए, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। मेरी सब
ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। छोड़ दे हम सबको अकेला, जीलेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा साथ पे सवार रहे इतने कम वक्त में। इस बात पर मैं आप मोहब्बत इत्तेबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का, लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता। मैं मेरा बेटा है, आवाज नहीं चिकना। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पर मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी है, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज़। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। छोड़ दे हम सबको अकेला, जीलेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा साथ पे सवार रहे इतने कम वक्त में। इस बात पर मैं आप मोहब्बत इत्तेबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का, लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता। मैं मेरा बेटा है, आवाज नहीं चिकना। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाए, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पर मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी है, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज़। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। छोड़ दे हम सबको अकेला, जीलेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा साथ पे सवार रहे इतने कम वक्त में। इस बात पर मैं आप तो तेरे भी ड्रामे के फैंस के लिए है बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ झलकियाँ आपने अभी देखी हैं तेरे बिन ड्रामे सीज़न 2 की, और बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामा सीज़न 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें और आपको पता भी चले कि ये झलकियाँ जो अभी आपने देखी हैं तेरे बिन सीज़न 2 की, वो कहाँ नशर होंगी और कब नशर होंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताने लगा हूँ कि कब जो है वो होने लगी है एपिसोड लॉन्च। मोहब्बत इत्तेबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का, लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता। मैं मेरा बेटा है, आवाज नहीं चिकना। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पर मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी है, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज़। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। छोड़ दे हम सबको अकेला, जीलेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा साथ पे सवार रहे इतने कम वक्त में। इस बात पर मैं आप मोहब्बत इत्तेबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का, लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता। मैं मेरा बेटा है, आवाज नहीं चिकना। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाए, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पर मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी है, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज़। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। छोड़ दे हम सबको अकेला, जीलेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा साथ पे सवार रहे इतने कम वक्त में। इस बात पर मैं आप मोहब्बत इत्तेबार के बगैर पैदा नहीं होती। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का, लेकिन ये मेरे बच्चे का बाप नहीं हो सकता। मैं मेरा बेटा है, आवाज नहीं चिकना। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पर मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी है, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रही हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज़। चुप करो तुम।
मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सब को अकेला जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। तो तेरे भी ड्रामे के फैंस के लिए है बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ झलकियाँ आपने अभी देखी हैं तेरे बिन ड्रामे सीज़न 2 की, और बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामा सीज़न 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें और आपको पता भी चले कि ये झलकियाँ जो अभी आपने देखी हैं तेरे बिन सीज़न 2 की वो कहाँ नशर होंगी और कब नशर होंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताने लगा हूँ कि कब जो है वो होने लगी है एपिसोड लॉन्च। मोहब्बत इत्तेफाक के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी की हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाए, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोग जता रहे हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज़। चुप रहो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सब को अकेला, जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। मोहब्बत इत्तेफाक के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोग जता रहे हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज़। चुप रहो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सब को अकेला, जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। मोहब्बत इत्तेफाक के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाए, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोग जता रहे हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज़। चुप रहो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सब को अकेला, जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। तो तेरे भी ड्रामे के फैंस के लिए है बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ झलकियाँ आपने अभी देखी हैं तेरे बिन ड्रामे सीज़न 2 की, और बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामा सीज़न 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें और आपको पता भी चले कि ये झलकियाँ जो अभी आपने देखी हैं तेरे बिन सीज़न 2 की वो कहाँ नशर होंगी और कब नशर होंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताने लगा हूँ कि कब जो है वो होने लगी है एपिसोड लॉन्च। मोहब्बत इत्तेफाक के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोग जता रहे हो ना, पकड़ो इसे। खुदा हाफिज़। चुप रहो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे हम सब को अकेला, जीनेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। मोहब्बत इत्तेफाक के बगैर पैदा
बात नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दिए, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रहे हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे, हम सबको अकेला जीलेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। से पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रहे हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे, हम सबको अकेला जीलेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। तो तेरे बिन ड्रामे के फैंस के लिए है बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ झलकियां आपने अभी देखी हैं तेरे बिन ड्रामे सीज़न 2 की, और बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामा सीज़न 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे और आपको पता भी चले कि ये झलकियाँ जो अभी आपने देखी हैं तेरे बिन सीज़न 2 की, वो कहाँ नशर होंगी और कब नशर होंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताने लगा हूँ कि कब जो है वो होने लगी है एपिसोड लॉन्च। मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाए, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रहे हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे, हम सबको अकेला जीलेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रहे हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे, हम सबको अकेला जीलेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती, बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का। लेकिन ये मेरे बच्चे का पाप नहीं हो सकता, मैं मेरा बेटा है। नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरती। इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने। कभी मोहब्बत की किसी से? क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। ये अंगूठी जो मेरे बाबा ने लेकर दी, इस अंगूठी की वजह से रोक जता रहे हो ना, ये पकड़ो इसे। खुदा हाफिज। चुप करो तुम। मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोड़ दे, हम सबको अकेला जीलेंगे अपनी जिंदगी। आप एक गैर मत होके मेरा सांप पे सवार है, इतने कम वक्त में इस बात पर मैं आप। तो तेरे बिन ड्रामे के फैंस के लिए है बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द
आप देखेंगे कुछ झलकियाँ आपने अभी देखी हैं तेरे बिन ड्रामे सीजन 2 की, और बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामा सीजन 2 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें और आपको पता भी चले कि ये झलकियाँ जो अभी आपने देखी हैं तेरे बिन सीज़न 2 की वो कहाँ नशर होंगी और कब नशर होंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताने लगा हूँ कि कब जो है वो होने लगी है एपिसोड लॉन्च।